सुबह बखैर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरी से होंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो बाइबल टीवी ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो से हम आपके लिए लेकर आते हैं। सचमुच ये जो चैनल है, अगर मैं ऐसे कहता हूं तो ये सरहदों की कैद से आजाद है। पूरी दुनिया में लोग जो हैं इसको देखते हैं, और खासतौर पर जब गल्फ से यूएई से मुझे कॉल्स आती हैं तो मैं उसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने उन तमाम रुकावटों को दूर किया। और खुदावन की इंजील को कोई रोक नहीं सकता। अभी मुझे सऊदीया से कॉल आई, कैप्टन कैप्टन सुलेमान, तो सऊदीया में है और खुदावन का जो कलाम है सुनते हैं। और भी मेरे दोस्त हैं जो कि सऊदीया में इस चैनल को देखते हैं। तो जनाब सुलेमान साहब, मैं आपके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे और बड़े ही, उनका नाम भी सुलेमान है, तो वो रेगुलर संडे को भी सर्विस अटेंड करते हैं। इसी तरह यूएई में, पाकिस्तान में, यूके में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में लोग बैठे हुए खुदावन का पाक कलाम जो है वो अपने कंफर्ट जोन में, अपने घरों में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने वर्क प्लेस पर वो खुदावन का पाक कलाम जो है वो देखते हैं, सुनते हैं, इनसे बरकत पाते हैं। तो इससे पहले कि हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज करें, मैं थोड़ा सा आपको इस चैनल के बारे में जो है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये अच्छी बात, थोड़ा हमें इसके बारे में भी सीखना चाहिए। तो मैं आपको लाइव जो है उस पर लेके चलता हूँ अभी। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ये अभी आप देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो हो रही है, और हम इस बात को देखते हैं कि खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए, इस माध्यम के लिए, खुदा उनकी इस मेहरबानी के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो ये हमारी साइट है जी चैनल की, और हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस सारे माध्यम के लिए, इस सारी खुदा उनकी मेहरबानी के लिए। तो अगर आप अपने दोस्तों को, अजीजों को बताना चाहते हैं तो अभी ये प्रोग्राम जो है वो जारी और सारी है, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा, ये हमारी वेबसाइट है जी, अगर आप देखें यहाँ से, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ से शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर जो गैलरी में बहुत सारी जो वीडियो, उनको आप कहते हैं वीडियो ऑन डिमांड, उनको आप देख सकते हैं। तो अगर आप पुरानी वीडियोस जो है उनको देखना चाहते हैं, प्रोग्राम जो है देखना चाहते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो ये पूरी हमारे पास, ये देखें, ये माध्यम है जिनसे आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब है, एप्पल जो एप्पल टीवी है उस पर है, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया है उस पर आप इनको, इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जूम उस पर अमेजोन की जो फायर स्टिक है, इसके अलावा एप्पल टीवी है, वेबसाइट मैंने भी आपको दिखाई है www.bibletvglobal.com, उस पर आप इसको देख सकते हैं। और जो IPTV बॉक्सेस हैं जिनमें अमेजोन की जो फायर स्टिक है, उसके अलावा जादू बॉक्स है, इतने वो सारी माध्यम है, मुझे नाम भी नहीं सबके आते, गोल्ड बॉक्स है जी, और ये तमाम वो जराए हैं जिनसे आप दीगर ममालिक में जो है इसको देख सकते हैं। कल हमने लाइव इंटरव्यू जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जनाब डॉक्टर जेम्स शेरा साहब का, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन और दूसरे मेयर हैं यूके में, और बहुत ही काबिल कदर, बहुत ही काबिल इज्जत शख्सियत। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। आप इस इंटरव्यू को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक भी उसकी रिकॉर्डिंग जो देख सकते हैं, जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग जो है आप बाद में देख सकते हैं। तो जी, मैं जी आया कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ तमाम दोस्तों को जो कि हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आज प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा अर्ली शुरू किया था, तो मैंने कहा चले एडवांटेज ले लूँ और थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ, बाइबल टीवी के बारे में। इसके अलावा हमारी जो चैरिटी है सोशल हार्मोनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस चैरिटी को भी आप अपनी दुआओं में याद रखें और खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि खुदा उन हमारे काम को बढ़ाए और हम
उनके पाकिस्तान में इंडिया में जो खिदमत करना चाहते हैं इस चैरिटी के जरिए, उस काम को भी हम लेकर तो आगे बढ़ें। तो इसमें हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हम जारी रखे हुए हैं। आज नेट थोड़ा सा जी वीक है, तो खुदा खैर करे, बस अब दुआ करें कि प्रोग्राम हमारा ठीक हो जाए। तो ये जो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है, सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जरूर इसको विजिट कीजिए और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज नेट जो है वो थोड़ा सा वीक है, तो क्योंकि लोग जो है वो सुबह सवेरे जो है अपने ऑफिस में दीगर जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज। तो खैर मैंने आपको वेबसाइट दे दी, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे काम को, आप हमारे मिशन पार्टनर बनना चाहते हैं, तो भी आप जरूर हमसे रब्ता करें और इस मिशन का आप हिस्सा बने। तो आइए वक्त जाया नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं उन तमाम बहन भाइयों को, हमारे साथ पाकिस्तान से हमारी बहन प्रवीण सलीम जो है वो हमारे साथ हैं, मैं इसलिए क्योंकि देखिए इतने दूर बैठे हुए, थैंक यू सिस्टर, खुदा उन्हें आपको बड़ी बरकत दे। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारे जनाब एल्डर सुहेल डीन साहब, हमारी प्यारी बहन बिनेस लरखा, अरुण सिंह और सुमन दीदी, और ये सारे जो बहन भाई जो रोजाना बाकायदगी के साथ मैनुअल पकड़ रहे हैं, जो सुबह सवेरे इंतजार कर रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ। तो जो नए आने वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पेज को अपने दोस्तों अजीजों के साथ आप शेयर करें ताकि वो भी बरकत पा सके। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को तलावत करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रोग्राम आई एम गोइंग टू रीड साम 139 वर्स 7। इस प्रोग्राम के आगाज में हम जबूर 139 उसकी 7वीं आयत से खुदा उनके पाक कलाम को तलावत करेंगे। बहुत खूबसूरत जबूर है, पंजाबी में इसका तर्जमा जो है डॉक्टर आईडी शाहबाज साहब ने किया, बड़ा खूबसूरत तर्जमा। खुदाया तेरी रूह तो भला नसके, मैं किधर जावा, मैं चढ़ जावा जे आसमाना तो उथे भी है तू, समुद्रों पार जा उतरा तो उथे भी है तू। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जो लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरे हजूरी से किधर भागू, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा दाना हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाना हाथ मुझे संभालेगा, अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा तो अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है, अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था तो मेरा कालब तुझसे छिपा ना था, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो आयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था, आए खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशुमार है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेस से भी ज्यादा हैं, जाग उठते ही मुझे तुझे अपने साथ पाता हूं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। बड़ी खूबसूरती से दाऊद, खुदा उनका बंदा, इस बात का इजहार करता है, इट्स अबाउट द ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड इज एवरीवेयर। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम एक ऐसे खुदा के परस्तार हैं, ऐसे खुदा की इबादत करने वाले हैं जो हर जगह हर वक्त हमारे साथ है। सुबह सवेरे उठकर इस बात का इजहार करना, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना कि उसने रात भर हमारी हिफाजत की, खुदा उन हमारा उठना और बैठना जानता है, वो हमारी बनावट से वाकिफ है,
खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो हमारा खुदा है। ज़बूर ने खुदावन की फजीलत को, खुदा की कुदरत को बयान करते हुए अपनी बनावट के बारे में बताता है। खुदावन ने अजीब और गरीब तौर से हमें बनाया है। जब हम माँ के पेट में थे, कैसे खुदावन ने उस मादे को तरतीब दिया, कैसे पोशीदगी में उसने उस तमाम कायनात को बनाया। वो हमारा खालिक और मालिक है। सबसे बढ़कर हम इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें अपनी सूरत और अपनी शबी पर बनाया है। बहुत ही खूबसूरत ये ख्यालात खुदावन के पाखरू की रहनुमाई में खुदावन के बंदा दाऊद ने इनको तहरीर किया। खुदाया तेरी रूह तो भला नसके मैं किधर जावा। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हमारा खुदा हमें संभालता, हमें कुवत ताकत हिम्मत से तंदुरुस्ती बख्शता है। आइए अपने सरों को खुदावन के जोर झुकाएं। जहां पर भी हैं आप खुदावन के जोर झुक जाएं। अगर आप खुदावन के जोर घुटने टेक सकते हैं जरूर टेकिए, मत झिझकिए, मत शर्माइए। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, खुदावन ने हमें बड़ी नेमतें बख्शी हैं। इफ यू आर इन योर सिटिंग रूम एंड देयर इज अ कारपेट, अगर फ्लोरिंग है, अगर आप मुश्किल समझते हैं, यू कैन टेक द कुशन, आप कुशन ले सकते हैं, उस पर घुटने टेक के खुदावन के जोर दुआ करें। आई विश आई कैन डू दैट व्हाइल आई एम ब्रॉडकास्टिंग दिस प्रोग्राम। लेकिन अजीजों, जब आप खुदावन के जोर घुटनों के बल होते हैं, खुदावन बड़ी बरकत देता है। और जब हम खुदावन के जोर दुआ करते हैं आंसुओं से, खुदावन के जोर रोते हैं, ये आंसू इसी गम के नहीं, खुशी के भी हो सकते हैं, टीयर ऑफ थैंक्स के। खुदावन के जोर, लास्ट टाइम आप कब रोए थे याद करें, कब आपने आंसुओं से खुदावन की शुक्रगुजारी की थी। कोई शख्स भी अगर हमारे लिए कोई भी काम कर देता है तो हम कितने इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, फोन करते हैं, बार बार उसको थैंक यू कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुदावन को थैंक यू कहा है? We are living in the I want mentality. Every morning we are coming with that list. I want this, I want that. This is not the right attitude. हमें खुदावन की सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, हमें बरकत दी है अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें। आइए खुदावन का शुक्र करें। ऊंटा का फल शुक्र का हदिया यसु साथों चाहता है, जेड़ा शुक्र गुजारी करदा हर वेले खुश रहता है। बोल मसीदे शहद तो मिठे मोतियां नालों सुचे ने, जेड़े प्यार ने उन्हों कर दे हर वेले खुश रहते ने। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। खुदा हम हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तूने हमें हिम्मत बख्शी, हमें ताकत बख्शी है, हमें कुव्वत बख्शी है कि हम अपने आप को तेरे हजूर पेश कर सकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपने होठों को खोल सकते हैं। खुदा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुदावन इस नेमत से महरूम है, जो अपनी आवाजों को नहीं बुलंद कर सकते, जो अपने हाथों को बुलंद नहीं कर सकते, जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन है खुदावन तूने हमें ये कुव्वत बख्शी है, ताकत बख्शी है कि हम तेरे जोर सरनगूं हो सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, अपने हाथों को तेरी तरफ बुलंद कर सकते हैं। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू, वी ग्लोरिफाई योर नेम, वी रेज अवर हैंड टूवर्ड्स यू। यू आर अवर सेवियर, यू आर अवर रिडीमर, यू आर अवर किंग। वी गिव यू प्रेज एंड ऑनर फॉर योर glory, for your great love, Heavenly Father. We come before you with a thankful heart. Please bless your people. Be with us. Guide us. Inspire us. Lead us. Empower us by your Holy Spirit. Bless your people. In Jesus' name we have this. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. It's a great anointing. खुदावन का मसा, खुदावन की कुदरत हमारे साथ है। आइए खुदावन की तारीफ करें।
ये जरूर आमतौर पर हम कहते हैं यार बस जी ठीक है जी वो फ्यूनरल पे हम गाएंगे, लेकिन देखें जो दाऊद है वो अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ धार करता है, और दैट्स अ ब्यूटी, कल मैंने आपको बताया था कि दैट्स अ ब्यूटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, द टू ब्यूटीफुल थिंग्स रिलेशनशिप एंड रेवलेशन, एंड इन दैट सॉन्ग जी अरे सॉरी मैंने आपसे आज शुरू में कहा था कि आज थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं वी आर रिकनेक्टेड, हम दोबारा जो है वो सिलसिले को बहाल करने में कामयाब हो गए हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा इस बात के लिए दिस पुअर टेक्नोलॉजी। तो आइए खुदा की हम करते हैं, खुदा की स्ताइश करते हैं, और ये खूबसूरत जबूर हम खुदा उनके हजूर गाते हैं। डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ये क्वायर है जी, तो हम इस जबूर को खुदा के जोर पेश करते हैं। मेरे कोल मेरे दिल नहीं जो हाँ जी आज
हमारी प्यारी बहन वीना और रिया दोनों ड्रम बजाते हुए दिखाई दिए, दोनों साइलेंट सोल्जर। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई सुहेल के लिए, उनके खानदान के लिए, और हमारे बुजुर्ग सईद जीन साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, खुदा उनके पास हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इनकी तरबियत की और ये खानदान खुदा के घर में सरगर्म अमल है उसकी खिदमत में। तो हम उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आइए अजीजों, खुदावन के पाक कलाम पर गौर करते हैं। कल हमने 18 आयत तक इस बात को देखा था, फिलिपियों उसका पहला बाब उसकी 1 से 18 आयत हमने उनको स्टडी किया। आज हम 19 से 26 आयत पर हम जाएंगे। मेरा तो ख्याल था कि जी मैं इसको इस वीक में खत्म करूंगा इस लेटर को, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सिलसिला। लेकिन देखिए, जो बेहतर तौर से समझना, मैं नहीं चाहता कि इसको टाला जाए कि चलो यार जल्दी जल्दी खत्म करो, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं सीखने को हैं, तो मैं इसको कंक्लूड नहीं अभी करना चाहता। हम इस पे गौर करेंगे और पहले चैप्टर की हम 19 आयत से इस बात को देखें, फिलिपिन चैप्टर 1 वर्स 19 टू 26। आइए खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम, इसमें ताजगी है, कुवत है, हम उस कलाम पर गौर करते हैं, खुदा उनका सुंदर पाक कलाम, आइए उसको सुनते हैं। फिलिपियों उसका पहला बाब 19 आयत से, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 19, खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजी मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा, लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। और चूंकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीसु में ज्यादा हो जाए। खुदावन के पाक कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अजीजों आइए खुदावन की तारीफ में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करते हैं। ये ज़बूरों का एक सिलसिला जो रिकॉर्डिंग का शुरू किया, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और रॉजर के लिए, लियो ट्विंस के लिए, उनके सारे उस टीम के लिए। तो आइए हम खुदा के जोर नगमा सराही करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत हमदो सना के लिए। खुदावन नु उड़ीकती रह आराम नल मेरी जान। Thank you.
मेरी जान अकेला है, न जाते Thank you.
ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਚਟਾਨ ਆਈਏ ਹਮ ਆਪਣੀ ਚਟਾਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਲਲਕਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਸਕੇ ਫਾਟਕੋਂ ਮੇਂ ਔਰ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਸਕੀ ਬਾਰਗਾਹੋਂ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਉਸਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੋ ਕਿ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੱਲਾਬਾਨ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਆਯਾਲੀ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਜਾਨ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਛਿਪਨੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨ ਕੇ ਲੀਏ ਤੂਨੇ ਇਨਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਜਬ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਕੋ ਸਿੱਖਣੇ ਕੋ ਹੈ ਹਮ ਆਪਣੀ ਕਮ ਅਕਲੀ ਕਾ ਆਪਣੀ ਕਮ ਮਾਇਗੀ ਕਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਿੰਨਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸੇ ਮਾਮੂਰ ਕਰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਕੇ ਲੀਏ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਹੈ ਇਨਕੇ ਘਰੋਂ ਕੇ ਚੌਗਿਰ ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਕੀ ਬਾੜ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਨਕੀ ਅਕਲੋਂ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਖੁਦਾ ਮੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਯੇਸੂ ਕੇ ਬਾਬਰਕਤ ਨਾਮ ਮੇਂ ਆਮੇਨ ਜਬ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੇਤੇ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵਾਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਜਬ ਹਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਸਾਥ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਉਸਕੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਕਲਾਮ ਕੋ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫੂਡ ਜਬ ਇਹ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਰੂਹ ਕੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਕੇ ਲੀਏ ਰੂਹ ਕੀ ਬਾਲਿਦਗੀ ਮਾਈ ਗੋਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਕੰਸਰਨ ਅਬਾਊਟ ਅਵਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਰ ਅਵਰ ਕੰਫਰਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ But we should remember on the basis of Romans chapter 8, the two person, there is a physical person and there is a spiritual person. Jo jismani hai, wo jismani baaton ke khayal mein rehte hain. Aur jo ruhani hai, wo ruhani baaton ke khayal mein rehte hain. Jismani niyat maut hai, par ruhani niyat itminaan hai. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਫੋਕਸ ਅਪੋਨ ਦੀਜ਼ ਵਰਸਿਸ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਪੌਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੈਦ ਮੇਂ ਥਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਂ ਥਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਂ ਥਾ But this letter is very joyful letter. Paulus is khat mein hame ye sikhata hai ki hame har hal mein khudaon ki shukrgzari karna hai. He was rejoicing. Joy is not absence of challenges in your life. Joy is not guarantee that we need to rejoice only in the happy time. Joy doesn't mean there's no pain, there's no suffering.
डब्ल्यू टोजर कहते हैं देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस, बगैर सलीब के आप ताज को हासिल नहीं कर सकते. इन द बुक ऑफ रेवलेशन जॉन सेड दैट जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा. एंड दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ सेंट पॉल. यू कैन सी हाउ ही इज rejoicing, he's praising and worshipping the living God. Paulus, कैद में, सताए जाने में, दुख में, शादमान, जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, शादमानी, खुशी, खुश नजर आता है. क्यों वो इन तमाम हालात में खुश नजर आता है? What was the reason? पहली बात जो हम खुदाओं के पाकलाम में से देखेंगे, हिज कॉन्फिडेंस. लेट्स ट्राई टू फोकस अपॉन दिस वर्स, देन आई विल गो फर्दर. पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में, इसके पहले बाप में, इसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा. चुनांचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मरूं. क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा. लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कैसे इसे पसंद करूं. मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं. मेरा जी तो ये चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही बेहतर है. मगर जिसे मेरा तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है. अगर देखिए, एक रियलिटी है, डेथ, मौत दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है. अगर किसी को ये मालूम हो जाए He got only few hours, उसके पास चंद घंटे हैं, चंद मिनट हैं. Suppose अगर आपको God forbid me, खुदावन आपको उम्र की दराजी बख्शे, खुदावन आपके साथ हो, आपकी हिफाजत निगरबानी करे, लेकिन अगर किसी तौर से किसी को ये मालूम हो जाए कि मेरे पास चंद घंटे हैं, चंद मिनट हैं, how you will react? What would be your priority? शायद आप अपने किसी प्यारे को, किसी अजीज को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त को आप कॉल करें कि फौरन आ जाए, मेरे पास वक्त बहुत कम है. I have gone through so many incidents. मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिला. वेल आई वाज हॉस्पिटल चैपलन आई विकम लंदन में. There were people, those who were cancer patient, जिनको ये बता दिया जाता कि you got only couple of days. बहुत सारे लोग complain करते थे, why I'm dying, what I have done, I'm a good person, why God is doing to me, मैंने क्या किया है, मैं क्यों मरूं. बहुत सारे लोग होते थे वो उसको एक privilege समझते थे, अगर डॉक्टर ने बता दिया है तो ये बड़ी अच्छी बात है. तो वो क्या करते थे कि वो दुआ करते थे, कहते थे मान ली दुआ करें, उनको ये उम्मीद होती थी तो वो खुदा उन पर भरोसा रखते थे. बहुत सारे लोग अपने अजीज वकारब को बुला लेते हैं, डॉक्टर को कहते हैं जी आ जाए, वक्त बहुत कम है, आ जाए आप इसको मिलने. तो दे डिफरेंट सिनेरियो. हमारी जो ऐसे वक्त में प्रायोरिटी क्या होगी? पौलुस मरना नहीं चाहता. अगर जो कहता कि मरना मेरे लिए नफा है, प्रॉफिटेबल, But his priority is not a death. His priority is the gospel, preaching. और वो ये चाहता है कि इसका काम जो है वो ना रुके. कल मैंने आपको बताया था कि there are people those who are partner in his ministry. वो ये सोचते थे कि पौलुस disappoint ना हो, जबकि वो कैद में है, सताया जा रहा है, तो ये ना सोचे कि लोगों ने जो काम मैंने उनको कहा था वो नहीं किया, या खुशखबरी का काम जो है वो मेरे कैद में आने की वजह से रुक गया है. He was so passionate
about the gospel that even he was in the prison, he was thinking about the good news. वो अपने बारे में उसके अगर के शादी नहीं उन्होंने की थी, उनके बच्चे तो नहीं थे, but he was not thinking about his freedom. वो ये नहीं चाह रहा अच्छा जी मैं बाहर जाऊंगा तो कहते अगर मैं अरे हाँ हो जाता हूं तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरे लिए ये है क्योंकि जिंदा में रहना मेरे लिए मसीह है कि मैं उसकी खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाऊं. ये उसकी एक डिजायर है. व्हाई ही वाज सो कॉन्फिडेंट, क्यों वो ये बात कहता है कि मेरे लिए जिंदा रहना जो है वो मसीह, मरना जो है वो नफा है. क्या वजह? हिज कॉन्फिडेंस. और वो कहता है कि चनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है, क्राइस्ट विल बी ऑनर्ड एंड वी विल बी डिलीवर्ड. दैट इज आवर कॉन्फिडेंस. खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाए. How we can rejoice in our suffering when there is a purpose in front of us. हमारे सामने कोई मकसद होगा. All expectation and hope, we can see that Christ should be honored through prayer, through evangelism. वो उसको उसको ये उसकी ये त्वक्को है, उसकी ये उम्मीद है कि वो लोग जो उसके लिए दुआ कर रहे हैं, द पीपल दोज हु आर प्रेइंग फॉर हिम, ही वाज हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन देम. ही न्यू दैट देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर प्रेइंग फॉर पॉल. दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस. और दूसरी जो उसके लिए बात थी वो ये थी कि द होली स्पिरिट इज वर्किंग थ्रू हिम. खुदावंद का पाकरू उसके साथ है. दैट सॉर्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस वी नीड टू कैरी इन दिस लाइफ. वी नीड टू बी अवेयर दैट पीपल दे आर प्रेइंग फॉर अस इफ वी आर डूइंग द वर्क ऑफ क्राइस्ट. एंड देन वी नीड टू बी अश्योर्ड अबाउट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ. आई एम सो डिलाइटेड एंड सो थैंकफुल टू गॉड. आई नो that there are people in my church, in my fellowship, those who are praying for me, jo meri ministry ke liye, mere kaam ke liye dua karte hain, and I'm fully aware about the presence of the Holy Spirit. Abhi jab hum khuda ki tareef kar rahe the, khuda ki staish kar rahe the, I was feeling the presence of the Holy Spirit in the studio. That is our guarantee. I'll be with you till the end of the world. खुदावन ने यह फरमाया कि देखो मैं दुनिया के अखीर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी तुम्हें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ूंगा. खुदावन ने हमें अपना पाखरू बख्शा है. The second reason of his rejoice, खुशी की जो उसके अंदर जो दूसरी वजह जो हम देखते हैं, that is also very important. What was the cause of his joy? निजात, मखलसी, खुदा का फजल. वी नीड टू बी अश्योर अबाउट अवर सल्वेशन. वो कहते अगर मैं आज मर जाता हूं, पॉलुस ही वाज नॉट अफ्रेड फ्रॉम डेथ, डरता नहीं है. उसका सर कलम कर दिया गया, उसको शहादत नसीब हुई, बट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंस. मार्टिन लूथर, he was a great reformer, protestant. He used to be a roman catholic priest. usko jab pope ne threat kiya ki aapki gardan kaat di jayegi, usne kaha khuda mujhe naya sar de dega. That was his verdict, that was his confidence, declaration of his faith. khuda ka paakru hame ye yakeen dilata hai, ये एश्योरेंस देता है कि हमें निजात मिल चुकी है. अब हम तकदीस के अमल में से गुजरे हैं. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर द सल्वेशन. कि हम निजात पाए, हम निजात
पा चुके हैं. नीड टू रिजॉइस इन दैट. ऑल होप इज अ डिलीवरेंस. होप, बड़ा खूबसूरत ये एक्सपेक्टेशन. पौलुस को ये यकीन था कि वो शर्मिंदा नहीं होगा. जिसका वो काम कर रहा है, पहले बात उसको अपनी रिहाई के बारे में यकीन था कि खुदा उसको रिहाई बख्शेगा. दूसरा उसको ये यकीन था कि अगर वो मर जाता है कैद में, सो देयर इज अ ग्लोरी फॉर हिम. वो जलाल में दाखिल होगा. मसीह के लिए मरना उसके लिए नफा है. जिंदा रहना मसीह है. इन आवर लाइफ वी नीड टू एस्टीम क्राइस्ट. Christ should be lifted up in our life in all sort of the situations. Nafa hai, gain, you know, to testify the gospel among the people. Munadi karna, ye badi zaruri baat hai. Aur uska jo dil hai, wo khuda ke saath laga hua tha. Uski lagan jo thi, wo khuda ke saath. That was the result of his joy. Uska dil jo hai, wo mazboot tha. Mazboor kehte hai na. Mazboot mera dil hai. Shaukat de naal gaawa. Tareef apne Rab di te hamd main sunaawa. There's another logic. Kyun wo kehta hai ki zinda rehna mere liye masih aur marna nafa hai. मतलब यह है कि अगर मैं बच जाऊं तो फिर फिलिपी में खुदा के लोगों की खिदमत करूं. दैट वॉज अ लॉजिक बिहाइंड दिस वर्स. आप कहेंगे जी ये क्या बात है, वो कह रहे जी मरना मेरे लिए नफा है और जिंदा रहना मसीह है. सो देयर इज अ डिजायर एंड द पैशन. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई सर्विस. I want to continue to proclaim the good news. So that was a logic behind that statement. कि वो खुदावन की खिदमत को जारी रखना चाहता है. वो कहते हैं मैं चाहता हूं, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चाहूं, क्योंकि बहुत ही बेहतर है. ट्रांसफॉर्म, कूच करना. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब रॉयल आर्मी जो थी, अगर उनके जो होते थे जो पायलट होते थे, तो वो जब वो जहाज तबाह हो जाता है तो वो उनको एक खास लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते थे. रॉयल एयरफोर्स जो थी, जब कोई मर रहा होता था तो कहते पोस्टेड टू अनदर स्टेशन. वो ये नहीं कहते थे कि ही पास्ड अवे या वो मर गया, तो कहते थे कि पोस्टेड टू एन अदर स्टेशन. सो दिस इज द परमानेंट रेजिडेंस इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. इसलिए वो कहता कि मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं कूच करके उसके पास चलूं. खुदा की हजूरी में दाखिल होने के लिए अजीजों मरना बड़ा जरूरी है. बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं मौत से. मौत क्या है? That is only entrance into Christ. Is it present near to God? वो बड़ा खूबसूरत गीत है. Near to me, God. Death is asleep. इसको नींद से तशबीह दी गई है. ये एक रास्ता है, एक दरवाजा है जिसमें से हमने गुजर कर जाना है. और पहला क्रंथियों उसका 16 बाब, ये हमारा जो खैमे का घर है, ये जरूर है कि ये गिराया जाए. दैट इज एन इमीडिएट एंट्री इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. दैट इज अ यूनियन एंड रीयूनियन. यूनियन क्या है? खुदावन के साथ मिलाप. हम खुदावन के साथ जाकर मिलेंगे. इसलिए कहता है कि ये मेरे लिए नफा है, प्रॉफिटेबल है, गेन है, मैं इससे कुछ हासिल करूंगा. कहते मेरा जी तो यही चाहता है कि मैं कूच करके यीशु के पास चला जाऊं, ताकि उसके साथ मैं मिल जाऊं.
वहां जहां पर ना रोना होगा ना मातम होगा ना आहो नाला होगा, बल्कि हम उसके चेहरे को देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 19 कहते मेरा जी चाहता है कि मैं उससे जाकर मिलूं। देन इज अ रीयूनियन। हो प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट थिसलोनियंस चैप्टर 4। आए मेरे भाइयों, तुम इन बातों से सली दिया। किन बातों से? कि जो खुदा में सो गए हैं हम हरगिज उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। खुदा खुद मुकर्रब फरिश्ते और नसिंगे के ललकार के साथ आएगा, फरिश्ते होंगे, नसिंगा फूंका जाएगा, और पहले तो वो जो मसीह में वो जी उठेंगे, और फिर हम जब बाकी होंगे हम बादों पर इसका इस्तकबाल करेंगे और यूं हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। तुम इन बातों से एक दूसरे को तसली दिया करो। सो देयर विल बी अ रीयूनियन विद आवर लव्ड वंस, जो खुदा में सो गए हैं। काशवा में हम एक कुर्बान का देखते हैं जिसमें जिसके नीचे ईमानदारों के रूहें हैं, और वो दिन रात चलाती हैं कि तू कब हमारा इंसाफ करेगा। खुदा कहते हैं कभी आप आराम करो, कि थोड़ा बहुत बाकी है। विल बी कॉन्शियस, हम वहां पर शौरी हालत में, रूहें शौरी हालत में होंगी, और जो दौलतमंद लाजर की जो मिसाल है, तमसील है, उस बात का सबूत है कि दौलतमंद कहता है कि मेरे यहां से कोई जाए और मेरे भाइयों को बताए कि मैं यहां अजियत में हूं, और लाजर बाप इब्राहिम की गोद में है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, कभी जरूर इस पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पौलुस इस बयान के मुताबिक वो कहता है कि मैं कूच करना चाहता हूं। जैसे जब कैंप लगाया जाता है, खैमे का घर जो है, जब बनी इसराइल बियाबान में थे तो खैमा लगाया जाता था और उसको फिर डिसमेंटल किया जाता था, उसको उखेड़ा जाता था और फिर दूसरी जगह जाकर खैमा लगाया जाता था। तो जरूर है कि हमें हमारा ये खैमे का घर जो है गिराया जाए, और हमें खुदा की तरफ से कैसा घर मिलेगा जो हाथ का बना हुआ नहीं है बल्कि परमानेंट है, मुस्तकिल है। तो ये रिप्लेस होगा, पुलिंग अप द टेंट, पिंस एंड गोइंग ऑन, दैट इज मूविंग ऑन, बढ़ना है। और ये बड़ी खास बात है, पौलुस इसको कहता है कि ये बड़ा जरूरी है कि हम कूच करके उसके पास चले जाएं। और अगर जिंदा है तो फिर हमारा जो अवलीन जो मकसद है वो है शेयरिंग द गुड न्यूज। इट डजंट हैव अ डेथ विश, उसकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो मरे, बट मतलब लेकिन उसके लिए जीना जो है वो नफा था। ये उसका आप सवाल ये पैदा होता है कि हम किसके लिए जिंदा रहे, और अगर जिंदा है तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज आवर पर्पस। अगर हम ये जान जाएं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर हम भी पौलुस की तरह कह सकेंगे कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। We need to be aware about our purpose. Our church, our life should be Christ-centered. We don't need to be a self-centered, Christ-centered. And Paul was not self-centered. वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा, अपने आराम के बारे में नहीं सोच रहा। Life is a mission. एक मिशन है, मैंने आपको मिशन के बारे में बताया था। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चियंस, यू आर विद द पर्पस, इट्स अ स्पेशल पर्पस, इट्स अ स्पेशल मिशन। वी आर इन टेम्पररी ट्रिप ऑन दिस अर्थ, वी आर इन द पिलग्रिमेज लाइक इज़राइलाइट्स, दे लेफ्ट द इजिप्ट एंड दे वर मूविंग इन द विल्डरनेस, दे वर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड। हम सब सफर में हैं। And in this journey, in this pilgrimage, हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? बहुत सारे लोग, मैं आज सुबह भी इस बात के बारे में सोच रहा था, उन लोगों के लिए जो कि दिन रात काम करते हैं। अच्छी बात है अपने खानदान का इंतजाम करना, मेहनत करना, there is no harm in that. But we need to remember
that we are moving towards that kingdom of God. We're the citizen of the kingdom of God. Hum us badshahat ke shahri hain. Har ek imandar ki ye zimmedari hai. It's our duty. It's our responsibility to trust God. Khuda par bharosa kare. Dusron ki khidmat kare. That is our duty. Paulus ke samne do baatein thi. उसको अपने मुस्तकबिल बारे में मालूम नहीं था कि वो रिहाई पाएगा या उसमें शहादत नसीब होगी. लाइफ और डेथ, दीज आर टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम. और तब्दीली के बाद सिर्फ उसका जो मकसद था वो ये था कि वो यीशु के लिए जिए. जब खुदा ने उसको दमिश्क की राह पर चुना, देन ही फाउंड हिज पर्पस इन हिज लाइफ. और वो पर्पस खुदा ने उस पर जाहिर किया. मैंने आपको बताया था खुदावन सबसे बड़ा मिशनरी है. खुदावन से कहा था कि तू गैर कौमों के लिए मेरा चुना हुआ वसीला है. दैट वाज हिज कॉलिंग, दैट वाज हिज स्ट्रेंथ. ही वाज कॉन्फिडेंट इन हिज वीकनेस. ये उसके लिए इसका जिंदगी का मकसद था. वी आर नथिंग विदाउट क्राइस्ट. हम यीशु के बगैर कुछ नहीं है. जीजो, मैं चाहता हूं कि आप उस मकसद को, उस खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें. हमारी उम्मीद और दलेरी खुदा में होनी चाहिए. खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देना, उसको शहादत नसीब हुई. जब हमने उसको अपना शख्सी निजात दुनिया कबूल कर लिया, तो फिर हमारे बदनों से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए. पौलुस रसूल रोमियों के 12 बाब में कहते हैं कि अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करो, ये तुम्हारी माकूल इबादत है. अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो खुदा उनको पसंदीदा है. वो चाहता है कि सब लोग, उसकी दिली आरजू और उम्मीद थी निजात के लिए, कि लोग निजात पाए. खुदावन में हमारी उम्मीद क्या है? पौलुस की ये उम्मीद थी कि खुदा यीशु उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा. वो बुज़दिल नहीं था. ही वॉज वेरी ब्रेव पर्सन, टाइनी पर्सन, छोटे से कदकश, अकेला, कोई खानदान नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, अकेला कैद में है. बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंस. दिलेरी की वजह और उम्मीद और यकीन ये था कि उसको मालूम था कि खुदा उनसे शर्मिंदा नहीं होने देगा. अजीजो, अगर आप खुदा उनका काम करते हैं, जो कि आपकी ड्यूटी है, ये एक फर्ज है, ये हक है, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अवर ड्यूटी, वी नीड टू वर्क फॉर हिम विद करेज, दिलेरी के साथ खुदा का काम करें, मायूसी के साथ नहीं. ओ, अब क्या करें, देखिए जी करना ही पड़ता है. इट्स अ हैप्पी एंडिंग ऑफ हिज लाइफ. इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी जिंदगी में? पौलुस की कैद की वजह से दो बड़े काम हुए. हमारा कई दफा दुख सहना भी वो फायदेमंद होता है. पहली बात ये हुई कि उसके साथ जो खुशखबरी सुनाने वाले थे वो और ज्यादा पुरजोश हो गए. कुछ लोग ये समझते थे कि अगर पौलुस दुख में, तकलीफ में, कैद में, सताए जाने में वो कंसर्न है, वो चाहता है कि खुशखबरी का पैगाम फैले, तो वो इस बात को लेकर बढ़ते हैं. When you are suffering for the sake of the gospel, you will see that people, they will join you, they will be with you. Okay, I'm with you. लोग कहेंगे जी मैं आपके साथ. They took it as an opportunity, वो इसको एक मौका समझते हैं. पौलुस अपनी इज्जत नहीं चाहता था, वो इस बात की परवाह नहीं करता था कि दूसरे खादम उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं. He was not talking about other people. लोग उसको दुख देना चाहते थे, लोग उसके उसकी रिसालत के बारे, इवन कि जो दूसरे अपोस्टल थे वो उसकी अपोस्टलशिप को नहीं मानते थे, उसको रसूल नहीं मानते थे. पर पौलुस के लिए ये बात इतनी ज्यादा अहम नहीं थी. उसके लिए जरूरी बात यह थी कि खुदा उनका कलाम जो लोगों तक पहुंचे. I had that experience.
और जो पादरी साहब ने बड़ा शौक है टीवी पे जाना, पादरी साहब ने बड़ा शौक है बस, ये शौक नहीं है, इट्स नॉट अ क्रेज, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ड्यूटी। पॉलिस इसको एक फर्ज समझता है, एक प्रिविलेज समझता है, विल बी जज फॉर दिस, हमें आंसरेबल होना है खुदा के सामने। मैं जब इस बात को देखता हूं, मैं एक दफा बात कर रहा था, I was working very hard in that ministry. तो मैंने अपनी बहन से ये बात कही, मैंने कहा कि आप रेस्ट नहीं करते, आप आराम नहीं करते। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। और यकीनन जब मैं पीछे मुड़ के देखता, मैं अपने चर्च के बारे में देखता हूँ, हेस्टन चर्च के बारे में, आप देखे 14 साल हो गए, पता भी नहीं चला। मिनिस्ट्री में जो आया वो 35 साल हो गए। लाइफ इज मूविंग सो अनप्रेडिक्टेबल, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। हम इस महदूद जिंदगी में, चंद रोज जिंदगी, अगर आप इसको आवर्स में अगर इसको कैलकुलेट करें, 1000 आवर्स होंगे, 70 बरे भी, 80 बरे भी, आखिर में फिर भी पना, कितना टाइम है हमारे पास। ऑनेस्टली मैं जब इसको कैलकुलेट करता हूँ, यार इतने साल रह गए हैं, अब इसको कैसे मैं कैलकुलेट, अच्छा यार जब 70 के हो जाएंगे तो फिर क्या कर सकेंगे, इतनी दौड़ धूप नहीं कर सकेंगे, शायद इतनी ताकत ना हो, जब 80 हो जाए यार क्या करें। मैं कल देख रहा था जनाब जेम शेयर साहब को, पार्किंसन की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे। ही वाज सच अ हैंडसम पर्सन, जब जवान थे उनके चेहरे को मैं देख रहा था तस्वीर में, बहुत ज्यादा रौनक चेहरे पे, कुवत ताकत, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक रियलिटी है, इसको मत भूलें, वक्त के साथ साथ ये चीजें तब्दील होती जाती है। बट व्हाट इज अवर एम, हमारा मकसद क्या है, कैसे हम अपने वक्त को स्पेंड करते हैं। टाइम इज सो प्रेशियस, इट्स योर कमोडिटी, जैसे रुपया पैसा होता है ना, आप उनको संभालते हैं, ओहो नहीं इतने मैंने लगाने, इतने नहीं खर्च करते। हकीकी मसीही जो है वो अपने वक्त की कदर करता है, वो जानता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अजीजो, सताए जाने में, दुख में, तकलीफ में ये मत सोचे कि दुख और तकलीफ हमारी जिंदगी में नहीं आने चाहिए, हम मसीह हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मुसीबत से उम्मीद पैदा होती है, दुख से, तकलीफ से, हमें पौलुस के अंदर भी ये उम्मीद थी कि खुदा उनसे शर्मिंदा नहीं करेगा, और खुदा उन आपको भी कभी शर्मिंदा नहीं करेगा अगर आप उसका काम करेंगे। गॉड विल ब्लेस यू, जहां पे दुनिया में शायद लोग आपके लिए बातें करें, आपको बुरा भला कहें, आपको तमस्कर का निशाना बनाए, डोंट थिंक अबाउट दैट, खुदावंद का काम करें, लोगों को कहने दें जो कहते हैं, आप अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारी को, बिकॉज आपने खुदावंद के सामने जवाब देना, लोगों ने अपना जवाब देना है, आपने अपने अपने खुदावंद के सामने जब जाना है उसके तख्ते अदालत के सामने, तो खुदावंद ने आपको पूछना है कि आपको मैंने भेजा था, आपने क्या किया। अजीजों, आइए इस इंपॉर्टेंस को समझें, अपने काम को समझें, और पौलुस की तरह हम ये कहें कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। चाहता कि मेरा जी चाहता है कि मैं पूछ करके खुदा उनके पास चला जाऊं, लेकिन वो कहता है कि ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं जिंदा रहूं ताकि और लोगों को बचा सकूं। मैं जब खुदावन से कुवत चाहता हूं, जब खुदावन से दुआ करता हूं, तो मैं हमेशा खुदावन से कहता हूं, खुदावन मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, ताकि मैं तेरा काम कर सकूं और लोगों को तेरे पास ला सकूं। मैं इतना खुश होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं कि वो प्रोग्राम को देखते हैं, फोन आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं। अभी मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि लोग इतने पैशनेट हैं, कहने पैसे हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम खिदमत का काम, और अब मैं देख रहा हूँ कि लोग नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। अभी चूंकि ये मेरा फुल टाइम जॉब तो नहीं है, मेरा तो काम चर्च को भी रन करना है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस टेलीविजन मिनिस्ट्री खुदावंत किस तरीके से जो है कुवत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है,
ताकि मैं उसका काम कर सकूं। और मैं आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूं, आपका प्रोग्राम को देखना, आपका फोन करना, आपका मैसेजेस करना, इट गिव मी सो मच एनर्जी। यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, यू आर माई ड्राइविंग फोर्स। और यही बात पौलुस उसके जो साथी थे वो ये सोचते थे कि अगर ये शख्स कैद में, मुसीबत में, दुख सहने में ये अगर इस कदर पैशनेट है, तो हम जो बाहर हैं हमें किस कदर पैशनेट होना चाहिए। और आज मैं ये चैलेंज आपके साथ रखना चाहता हूं, ब्रदर सिस्टर, हम अभी मैं एक इंसान, कमजोर इंसान, मैं ये चाहता हूं कि आप इस काम में हमारे साथ दें। अगर आपके पास वक्त है, ये जो एक तो टीवी है ना, इसे बड़ा बर्बाद किया है, और ये जो सोशल मीडिया, इतना टाइम वो वेस्ट करते हैं, ड्रामे देखो, फिल्में देखो, हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? एक फिल्म आप देखने बैठते हैं, 3 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट हो गए। आई यूज टू हैव दैट हॉबी, और आप हैरान हो। देखिए, मैं छुपाता नहीं हूं, पौलुस रसूल नहीं छुपाता, वो कहता कि पहले मैं मारने वाला था, अब मार खाने वाला हूं, पहले मसीहों को सताता था, अब मैं खुद सताया जाता हूं, खुद कैद में। कभी जब हम अपने उस दौर को याद करते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो बचपन के साथी हैं, दोस्त जाते हैं, कि कभी वो वक्त था जब हम कॉलेज में थे, उससे बाद भी दिन में दो दो शो देखने, एक फिल्म से निकले हैं दूसरे में घुस गए, टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर घर से पैसे मांगने, दोस्त यार फिल्म की दुकान हो जाए, वेस्टिंग ऑफ मनी, वेस्टिंग ऑफ टाइम, दिस इज अ फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें आप रहते हैं, दूसरों को हीरो दे। मैं जब हम कॉलेज में थे तो उस वक्त वो रेसलिंग हुआ करती थी 4 बजे टीवी पे, उस वक्त इतने चैनल नहीं होते थे, तो एक ही चैनल था, उस पे वो रेसलिंग दिखाते थे, बॉब होगन वगैरह और सारे उस वक्त होते थे जो रेसलर थे, आपको याद होगा। तो हम भागे भागे आए, मैं और मेरा दोस्त घर पहुंचे, तो मेरे मामू जो थे वो आर्मी में थे, तो वो आए हुए थे, तो हमने वो रेसलिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी टीवी देने, तो उन्होंने कहा यार आप कैसे बेवकूफ हो, आप दूसरों को दे दे के खुश होते रहते हो, कहते आप खुद क्यों नहीं करते, है ना, आप दूसरों को मसल दे दे के खुश होते रहते हो। उसने मार दिया, उसने एक किया, लेग लॉक लगा दिया, और उसने आर्म लॉक लगा दिया, है ना, तो वो तो एक सारा ड्रामा होता था, रेसलिंग जो थी वो सिंगुरा कुश्ती कहते हैं, वो सेट होता था। देन हमने इस बात को महसूस किया, मैं और मेरे दोस्त जो मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं शोकिशोरी, हमने जो है जिम ज्वाइन किया, और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो है वो उसकी तरफ चले गए, तो वो एक अच्छी बात थी कि हम दूसरों को देखकर खुश होते रहते थे। तो अगर आप देते हो बड़ा अच्छा हीरो है जी, वो उसने ये कर दिया जी, वो ड्रामे में बड़ी प्यारी लग रही थी, उसने ये कपड़े पहने, यार आप खुद क्यों नहीं बनते कुछ करो, दूसरों को दे दे के अच्छा वो बड़ा अच्छा वैंजलिस्ट है, वो बड़ा अच्छा मैसेज है जिसका, यार आप खुद क्यों नहीं बनते वैंजलिस्ट, खुदा से दुआ करें, गॉड इज ओनली लुकिंग योर अवेलेबिलिटी एंड ही गिव यू अवेलेबिलिटी, ही विल गिव यू रिसोर्सेज। वो लोग कहते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, क्या करूँ जी, मैं कैसे मुनादी करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है जी, भाई टाइम आप निकालेंगे तो निकलेंगे, पैसे खुदा के पास बहुत है, पैसों की फिक्र ना किया करें, खुदा के पास बहुत है, और खुदा के जूस भी नहीं है, उसे बियाबान में अपने जलाल के लिए, उस खैमे के लिए इतना पैसा उसने खर्च करके, सोने चांदी जवाहरात उसने सब वहां पे लगा दिए, खुदा को क्या कमी है। मैं उसे बता रहा था कि मिलियंस ऑफ पीपल, हजारों की बात नहीं है ना, 20 लाख, 2 मिलियन पीपल, दे वर वॉन्डरिंग इन द विल्डरनेस, खुदा ने उनको खाने को गोश्त भी दिया, पीने को साफ पानी भी दिया, वो भी इसराइल जैसे मुल्क में, फलस्तीन में, बियाबान में, गोश्त रोटी दी आसमान से, खुदा ने कहा कि इस बात की फिक्र ना करेंगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब बातों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीजों पर मोहताज हो, पहले उसकी बादशाही और आसमानी की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी, और रास्तबाज खुदावंद के लिए, उसकी रास्तबाजी हमारे रास्तबाज में शामिल की गई है, हमारे खाते में डाली गई है। शेर बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा होता है,
लेकिन खुदा उनका ताल्लुक किसी ने में कम होता है होगा। आइए खुदा उनका काम कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, उसके नाम को जलाल दीजिए ताकि खुदावन आपको शर्मिंदा न होने दे, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपसे कह के आए मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ, ये बादशाही तुम्हारे लिए बनाया आलम तैयार की गई है। डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम द डेथ, इट्स अ गेट वे, इससे गुजर कर हमने खुदा उनका, अगर अगर मौत ना हो तो फिर तो सब इस दुनिया में रहे, और उससे घबराता नहीं, कतई मेरे लिए नफा है। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, खुदावन तू हमारी हिम्मत बंधाता है। खुदावन हम जिस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर है, हमारा असली वतन तेरे पास है। यार यीशु तू कादरे मुतलिक है, हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तू हमसे बात करता है। यार खुदा मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और आज उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि अपने आप को तेरे सपुर्द करना चाहते हैं, तेरी खिदमत करना चाहते हैं, तेरी इंजील के पैगाम को लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, खुदावन दुआ करता हूँ कि तू उनके साथ हो, उन्हें बरकत दे। खुदावन इल्तजा करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इसके सारे काम के लिए, क्या खुदावन इस काम को और ज्यादा बढ़ा। खुदावन दुनिया यीशु के बगैर, तेरे बगैर खुदावन मर रही है, जिंदा लाशें सड़कों पर चल रही है। मेरे खुदावन वो जो कहते हैं कि हम हैं जिंदा लेकिन वह है मुर्दा, खुदावन हमें तौफीक दे कि हम तेरी खुशखबरी का पैगाम उन लोगों तक लेकर जा सकें। हमें जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए इस वक्त दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, क्या खुदावन तूने कुवत और ताकत अता फरमा। हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावन उस नौजवान टोनी के लिए, जबकि खुदावन वो हॉस्पिटल जाने को है, उसके स्टमक की सारी तकलीफ को तो अपने यीशु नाम में दूर कर। खुदावन अपनी बहन प्रवीण के लिए दुआ करता हूँ, जो कि खुदावन कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, खुदावन की सारी तकलीफ सारी कमजोरी तेरे यीशु नाम में जाती है। हम तमाम गमजुदा खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जितने लोग भी दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज्यादा हैं, खुदावन उनके साथ हो। तमाम बिशारत तनाजीम के लिए, सेमिनरीज के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तेरे खादमों के लिए, मनात के लिए, एक एक शख्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन आने वाले दिनों में खुदावन हमें अपने जलाल का इस्तेमाल कर। हम अपया खुदावन लूटन की कन्वेंशन के लिए जो कि 28 अगस्त को होने को है, अभी से उसकी तैयारी के लिए, उसके सारे काम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन हम सबके साथ होना, सबको बड़ी बरकत देना, और आज का तमाम दिन है खुदावन तुम्हारी बड़ी मदद हिफाजत होने के बानी फरमा। मैं हेस्टन की कलीसिया के लिए, लूटन की कलीसिया के लिए, और आलमगीर कलीसिया के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक एक शख्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन इस मुल्क की हिफाजत कर। हम अफगानिस्तान की सिचुएशन को तेरे सामने रखते हैं, उन तमाम मिशन वर्कर के लिए, एड वर्कर के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो कि उस मुसीबत में है, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जो हुकूमत भी आती है, तालिबान के लिए भी दुआ करते हैं, उनकी अकलों को रोशन कर, उनके ख्यालात को अपने कब्जा में दे। इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को, आलमगीर कलीसिया को तेरे कब्जा में देते हैं, बड़ी बरकत दे यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा गर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा। और मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकु कृपा को तो शाकत आपसे लेकर हमेशा आप सबके साथ, दुनिया भर के साथ होते रहे। जी मेरे भाइयों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से अदा कीजिएगा। और मैं आपको कन्वेंशन के बारे में दोबारा फिर बता देता हूँ। 28 अगस्त को लूटन में मेथोडिस्ट चर्च है, यूनाइटेड मसीह फेलोशिप, जो कि हमारे एसेंट चर्च का एक हिस्सा है। चर्च का एड्रेस है जी, फेरले हिल मेथोडिस्ट चर्च, नॉर्थ ड्रिफ्ट वे, लूटन, LU1 5JE। मैंने इश्तहार जो अभी डाला हुआ है फेसबुक पे भी, तो 28 अगस्त को सुबह 11 बजे ये कन्वेंशन शुरू होगी। उसमें जो पैगंबर है रेवरेंड गिल्बर्ट डेविड, वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। उनका तल्लुक वॉल्सन से है, बर्मिंगम से, और काशिफ जैक्सन जो है गॉस्पल सिंगर, वो वहां पर होंगे। भाई एल्डर सुहेल दीन साहब होंगे, मैनुअल फखर होंगे, और आमिर कोकर साहब होंगे म्यूजिशियन। तो ये एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता है, आप आइए,
जरूर वहां पर आप बरकत पाएंगे खुदा का पाक कलाम से। यूथ के लिए स्पेशल प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारे भाई इवेंजलिस्ट आरूण खान जो है वो यूथ से खिताब करेंगे, उनके लिए उनके पास प्रोग्राम है। और अगर आप पाकिस्तान से या जैसे जहां पर भी आप हैं, आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं बाइबल टीवी के प्रोग्राम में, तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 00444-7789-8224 और ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप किसी जगह से भी फ्री कॉल कर सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस है nsamuel21@yahoo.com। फ्राइडे को शाम को भोलपुर से हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, वहां पर एक खास मीटिंग जो है, पहली दफा ये मीटिंग वहां पे कंडक्ट की जा रही है। इस तरह गुजरांवाला में आपने देखा, और जैसे यहाँ से भी हम प्रोग्राम जो है उसको दोबारा कोरोना वायरस के बाद जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है, हम दोबारा नए प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम मैंने आपके लिए जो है आपको तैयार करने का प्रोग्राम बनाया है, तो आप जरूर अपनी दुआओं में भी याद रखें, बाइबल टीवी ग्लोबल को अपनी दुआओं में याद रखें और इसको जरूर सपोर्ट भी करें इस काम को, अपने हदियाजात जो है वो हमें दें और वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं और आप जो है अपने गिफ्ट जो है वो भेज सकते हैं, बैंक के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इसको सपोर्ट करना चाहें, जो भी खुदावन आपके मन में डालता है आप जरूर दें, ताकि इस काम को हम जारी सारी रख सकें। खुदावन आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।